और आप सबको मैं पौधा तो लगा ही दिया है, मगर मैंने सोचा लो गेंदे का भी दिखा देती हूँ, जो मैंने दिवाली पर फूल आया था उससे उगाया था मैंने इससे। देखिए कितना सुंदर है, और इसे मैंने बहुत पतले से डब्बे में लगा रखा। मैं दिखाती हूँ आप सभी का, बहुत पतला सा है, यानी 4 अंगुल का कुल है, और उसी पे मैंने लगा दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे गेंदे के पौधे आ गए थे तो मैं फेंकना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने बहुत सारे उखाड़ दिए, कोई मतलब लेने नहीं आया। मेरे घर तो बहुत सारे रख रखे थे कि कोई आएगा ले जाएगा, ले कोई आया नहीं। हर बार तो ले जाते थे लोग, इस बार कोई आया नहीं या ध्यान नहीं रहा होगा, तो मैंने फिर सारे मतलब जो ज़्यादातर उखाड़ दिया, और कहीं कहीं मैं लगाती गई। तो ये देखिए, और अभी बहुत सारे छोटे छोटे भी लग रहे, ये यहाँ लग रहे हैं, वो दूसरे कलर का था और ये दूसरे कलर का है, और अब इसमें थोड़ा सूखने भी लगा। बहुत बड़े बड़े इसमें गेंदे के पौधे मतलब फूल आए थे। यहाँ देखिए, ये मेरा करी पत्ते का पौधा है, तो इसमें भी बहुत सारे फूल आए थे, बहुत बड़े बड़े, और मैंने तोड़ के इसमें भी डाल दिया है, मगर जो सबसे बड़ा फूल था, सबसे बड़ा, वो इसमें आया था। अब तो ये सूखने लगा, इसमें आया था और उसे मैंने तोड़ के रख दिया बीज के लिए। तो इस तरह मुझे जिस गमले में भी जगह दिखा उसी में मैंने लगा दिया। गेंदे का इतना सारा पौधा आया था मेरे यहाँ इस बार, और तो इस बार नहीं, हर बार ही ऐसे ही होता है। आती हूँ आप सभी को, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो ये ना सोचिए मैंने ख़रीदा है, फ्री के ही बीज थे ये सारे, और दिवाली पर जो माला आया था उसमें से मैंने तोड़ के लगाया था इसे। और देखिए कि डब्बे में लगा रखा मैंने, इसमें लगा रखा ये है। इसी तरह इसमें लगा रखा, इस गमले में भी मैंने लगा दिया था, तो इसमें भी बहुत अच्छा फूल आया, और कलियां भी अभी भी कलियां आ रही बहुत सारी। दोस्तों कितनी खुशी होती है जब हम कोई चीज़ फ्री का, यानी सब्जी के साथ फ्री धनिया जैसे सब्जी के साथ अगर फ्री धनिया मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह गार्डन का भी है कि फ्री का बहुत अच्छा लगता है, फूल पौधे जो भी लगाओ तो फ्री का। और मैंने ज़्यादातर अपने गार्डन में फ्री के ही पौधे लगा रखे हैं। तो आप सब ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको भी फ्री के पौधे अच्छे लगते हैं कि नहीं, और एक वीडियो मैं डालूँगी जो किसी ने मेरे पास भेजा है, तो उन्हें मैंने पौधे दिए थे तो लगाया है, तो उसका उन्होंने भेजा है एक छोटा सा वीडियो, मतलब उस पौधे थोड़े से पौधे में उन्होंने अच्छा सा कर रखा है, तो मैं ज़रूर डालूँगी वो वाला वीडियो, तो आप सब ज़रूर देखना। लगाया था मैंने, ये भी दिखा दूँ आप सभी को, थोड़ा बहुत इसका निकल गया है पानी डालते हुए, तो इसमें दोबारा लगाऊँगी। और ये भी पौधा मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, ये देखिए देखिए बहुत अच्छा, देखो किस तरह लंबा जा रहा। और गर्मियों में तो ये वाला पौधा सबसे अच्छा है, खूब हरा भरा रहता है। और इसे लगाए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और देखिए, और इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा अपने चैनल पर। इसे फ्री के पौधे लगा रखे मैंने, जो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और आप सब ज़रूर देखना, और आप सभी को पसंद भी आएगा कि हमारे घर में जो सब्जी या फूल कुछ आता है हम उसके क्यों ना ट्राई करें, अगर उसमें बीज निकल रहा तो क्यों ना ट्राई करें, और क्यों ना गमले में डाल दें जिससे उससे पौधे निकल आएँ। और आज मैंने शिमला मिर्च काटा तो इसके अंदर जो बीज था, ये शिमला मिर्च ख़राब हो गया था, तो इसके अंदर जो बीज था ना उसमें जड़ सा
मतलब कुछ ऐसे अंकुरित हो रहा था उसका, इसका बीज, तो मैंने फेंका नहीं, मैंने सोचा गमले में डाल दूंगी। जैसे मैं कहती हूँ ना, फ्री के, तो इसी तरह फ्री के होते हैं। तो इसमें कुछ बीज ऐसे थे जो अंकुरित हो गए थे, मतलब शिमला मिर्च ज़रूर ख़राब हो गया था, मतलब शिमला मिर्च ज़रूर ख़राब हो गया है, मगर इसमें ना बहुत सारे बीज अंकुरित थे, तो मैंने इसे फेंका नहीं, मैं ऊपर ले आई और मैं इसे किसी गमले में डाल दूंगी। तो जब पौधा निकलेगा तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी, और नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, है तो फ्री का, पैसा तो लगा नहीं है।